आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टंगा गढ़वा झारखंड AMM GNM D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार, डंडेल से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। एक वर्ष के बाद जरही गांव निवासी सीताराम मिस्त्री को मिला उजड़ा हुआ परिवार। डंडेल थाना क्षेत्र के जरही गांव निवासी सीताराम मिस्त्री को पुलिस प्रशासन के अथक प्रयास से एक वर्ष बाद उजड़ा हुआ परिवार मिला, जिससे सीताराम मिस्त्री अपना बिछड़ा हुआ परिवार को सुरक्षित पाकर पुलिस का आभार व्यक्त किए हैं। हालांकि सीताराम मिस्त्री ने अपनी पत्नी के साथ घटित घटना को लेकर 3 महीने पूर्व ही डंडई थाना का चक्कर काट चुका था, लेकिन उस समय पुलिस ने उसकी पीड़ा पर गौर नहीं किया। नहीं तो सीताराम मिस्त्री का बिछड़ा हुआ परिवार 3 महीने पूर्व ही मिल सकता था। वहीं घटना को लेकर सीताराम ने अपने चचेरे भाई शिव विश्वकर्मा को घटना की जानकारी दी। शिव विश्वकर्मा ने मामले को लेकर डंडई थाना में पुनः आवेदन दिया। मामला थाना में आते ही प्रशिक्षु थाना प्रभारी विकास कुमार ने तत्परता दिखाते हुए कार्यवाही शुरू की और गढ़वा पुलिस के सहयोग से 3 दिनों के अंदर ही सीताराम का बिछड़ा हुआ परिवार को जुटाने में सफल रहा। सीताराम मिस्त्री ने बताया कि पुलिस के अथक प्रयास से मेरा उजड़ा हुआ परिवार मिला है, इसके लिए मैं पुलिस का आभार व्यक्त करता हूँ। जरही गांव निवासी सीताराम मिस्त्री को बिछड़ा हुआ परिवार मिलने के बाद डंडई BDO का टीम उनके घर पहुंचकर पारिवारिक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान BDO सोमावराव ने परिजनों का हालचाल लेते हुए उनके मन को उत्साहित किया। BDO द्वारा पारिवारिक स्थिति के बारे में पूछने पर सीताराम मिस्त्री ने बताया कि मेरी जमीन सिर्फ 15 डिसमिल है, वहीं कच्चा खपरैल घर गिरने के कगार पर है। हम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, किसी तरह बाहर के राज्य में मजदूरी का काम करके घर को चलाते हैं। साथ ही बताया कि COVID-19 की वजह से हमारे पास आर्थिक तंगी है, मजबूरी में दरार पड़ा हुआ मकान में हम लोग रह रहे हैं। बताया कि दैनिक मजदूरी करते हैं तो शाम को घर में भोजन बनता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पारिवारिक स्थिति का जायजा लेने के बाद तत्काल में उसके परिवार को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया, जिसका जियो टैग भी किया गया। वहीं प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी बलराम कृष्ण शर्मा ने परिजनों के लिए अंत्योदय कार्ड बनाया, साथ ही उक्त परिवार को 50 किलो चावल से ही योग किया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमाव राव ने कहा कि जरही गांव में एक गरीब परिवार होने की सूचना मिली थी। बताया गया था कि उस परिवार के 3 सदस्य एक वर्ष से बिछड़े हुए थे, जो वापस आ चुके हैं और काफी गरीब हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज सीताराम मिस्त्री के घर पहुंचकर परिस्थितियों से अवगत हुए। उसके बाद परिजनों को 50 किलोग्राम चावल, प्रधानमंत्री आवास तथा अंत्योदय कार्ड मुहैया कराया गया। बताया कि अन्य सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर PM आवास के प्रखंड समन्वयक नागेंद्र मेहता, BDC संदीप कुमार, स्वयं सेवक अजय चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। परिवार मिलने के बाद आपके घर में क्या क्या समस्या है, बताइए। अभी बहुत सा समस्या है। जैसे बताइए। जैसे में कि घर नहीं है और खाने पीने का दिक्कत है, और उसके बाद में कुछ और दिक्कत है, उन्हें कर कमी नहीं, रोजगार भी नहीं लग रहा है, कहीं पैसा कौड़ी के भी दिक्कत है। तो सुनने में आ रहा है कि BDO साहब आपके यहाँ आए थे। जी सर। तो क्या आप कुछ मदद किए? कि मदद किए हैं। क्या मदद किए बताइए? राशन वगैरह दिवाए, कॉलोनी का आदेश किए हैं, फोटो वगैरह लेके गए हैं। त्वरित आपको राशन कितना मिला? राशन हमको 50 KG का बोरा आता है, वो एक बोरा मिला है। मैंने एक बोरा राशन मिला है और सहयोग में आपका रहने का आवास दिया गया। जी। क्या नाम है आपका? सीताराम मिस्त्री। कहाँ घर है? जरही। लवाही मोड़ के 2 फीट जल जमाव में हुए छोटे बड़े गड्ढे, दुर्घटना को कर रही आमंत्रित पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि है खामोश। डंडई प्रखंड का विकास करने वाले अधिकारी व जनप्रतिनिधि लवाही मोड़ के जल जमाव की समस्या को पिछले 1 वर्ष में भी दुरुस्त नहीं कर सके, लिहाजा ये है कि ग्रामीणों को पिछले 1 वर्ष से जल के जमाव के जूझना पड़ रहा है। हालांकि जल जमाव के रास्ते प्रखंड के BDO, CO, प्रशासन व जनप्रतिनिधि अपने बंद बॉडी वाहन से रोजाना आवाजाही करते हैं, परंतु इस जल जमाव की समस्या को वे नजरअंदाज करते दिख रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को कीचड़युक्त जल जमाव से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम बात करें मुख्यालय की जन समस्याओं की, तो लवाही मोड़ के कीचड़युक्त जल जमाव की समस्या पहली होगी,
क्योंकि लवाही मोड़ से रोजाना हजारों हजार लोग गुजरते हैं। पैदल चलने वाले लोग तो किसी तरह चल लेते हैं, पर खासकर दोपहिया तीन पहिया सहित अन्य वाहनों को गुजरने में काफी समस्या होती है। वहीं अजनबी राहगीरों को पानी के अंदर बने गड्ढों का अंदाजा नहीं मिल पाता है, जिससे लोगों को मौत के मुंह से होकर गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगभग 300 मीटर सड़क की कई हिस्सों में 2 फीट तक जल के जमा हो गए हैं, जिसमें कई छोटे बड़े गड्ढे भी हो गए हैं। ये गड्ढा युक्त जल जमा वाली सड़क दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। दिन भर में सैकड़ों लोग इस सड़क के जल जमा में हुए गड्ढों के कारण गिरने से बार बार बच कर निकल जा रहे हैं, परंतु अनजान राहगीरों के लिए यह सड़क कभी भी महंगी पड़ सकती है। वहीं ग्रामीणों को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सड़क को बहुत जल्द ही ठीक कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी का जल जमाव की समस्या को दुरुस्त करवा देने का आश्वासन झूठा निकला। प्रखंड मुख्यालय के ग्रामीणों ने जल जमाव की समस्या को दुरुस्त नहीं करने वाले अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों पर कौन निंदा की है। बोलिए क्या समस्या है। समस्या है कि जल जमाव जो है अगले साल से है, तो हम लोग वीडियो साहब से मिले थे, यहाँ के मुखिया जी से भी कहे और कहे जी ने इसका समाधान हो जाएगा, अगले साल तो समाधान नहीं हुआ, फिर इन साल आए, इसके बाद बोले मुखिया जी ने जो हम अपना घर से जमीन देंगे, जमीन आप लोग उपलब्ध कराइए, नाली बनाएंगे। जब जमीन उपलब्ध हो गया नाली बनाने के लिए तो बोल रहे हैं जब फंड नहीं है, अब फंड आ गया तो बोल रहे हैं कि अब हमारा वो आदेश नहीं है, इसमें पैसा लगाने का, अब सोख्ता बनाना है, फ्रिज बनाना है, इसलिए यही हम लोग परेशानी झेल रहे हैं जल जमाव के लिए करके। धन्यवाद। लुबी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।